कस्बे की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद शुरू होने के पहले दिन मंडी में गेहूं तो पहुंच गई, लेकिन इसकी खरीद करने वाली खरीद एजेंसियों का कोई अता पता ही नहीं था। इंद्री अनाज मंडी में दो किसान अपने गेहूं को लेकर पहुंचे, लेकिन इस दौरान खरीद एजेंसियों का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। वीरवार सुबह आरती फर्म बाबूराम बालकराम और लच्छूराम नरेश कुमार पर दो किसान अपनी अपनी गेहूं को लेकर मंडी में पहुंचे, लेकिन दोपहर तक भी खरीद एजेंसी का कोई भी अधिकारी उनकी फसल खरीदने नहीं पहुंचा, जिसके बाद नाराज आढ़तियों व किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। वहीं मंडी एसोसिएशन प्रधान सतपाल बैरागी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोर्टल के हिसाब से किसान अपनी गेहूं लेकर मंडी में आए हैं, लेकिन मंडी में बारदाना मौजूद नहीं है जिससे उनमें गेहूं की भराई की जा सके। इसके अलावा मंडी में खाद्य आपूर्ति और मार्केट कमेटी की ओर से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसको देखकर यह लगता है कि मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन द्वारा एसडीएम सुमित सिहा को मंडी में उचित व्यवस्था ना होने के कारण एक ज्ञापन सौंपा गया और मंडी में मौजूद किसान भवन को खाली करवाए जाने की मांग की गई। वहीं यूनियन ने यह भी कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान उनकी इच्छा के अनुसार उनके खातों में किया जाए। जो किसान अपने खाते में फसल बिक्री की राशि डालने की बात कहे तो उनके खातों में इस राशि को डाला जाए, और जो किसान आढ़ती के खाते में भुगतान करने की मांग करे तो वह भुगतान राशि आढ़ती के खातों में की जाए। किसानों ने मांग की कि फसल बिक्री की भुगतान राशि उन्हें 3 दिन के अंदर मिलनी चाहिए। वहीं अनाज मंडी में मूलभूत सुविधाएं भी किसानों को मुहैया करवाई जाने की मांग भाकियों ने की है, ताकि किसान गेहूं के सीजन के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज प्रधान जी, आज गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, क्या व्यवस्था हो रही है या नहीं? सरकार ने जो 1 तारीख को गेहूं की खरीद के ऑर्डर निकाले थे, पर उसमें आज जो फूड सप्लाई की यहाँ पे परचेज का दिन था, पर अभी तक यहाँ ना कोई बारदाना है, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ऑफिसर देखने के लिए आया। तो ये किसान अपने पोर्टल के हिसाब से गेहूँ लाया है, तो उसकी आके अब नमी चेक कर ले या तो कुछ देख ले इसमें, भाई कोई भी है किसान तो आना तो चाहिए, ऑफिसर को आना तो चाहिए, किसी को जिसकी भी ड्यूटी है यहाँ पे, जिसका दिन है उनको आना चाहिए देख के किसान के, भाई 1 तारीख का या ना 1 तारीख के चार अगले लेट कर देते, तो ये तो है। व्यवस्था में मतलब खामी है कहीं? हाँ, व्यवस्था में खामी तो है ही, तो इस होटल में खामी है, सारा सिस्टम में तो है ही खामी, दिक्कत तो है। 5 तारीख को बैठक होने जा रही है पूरी हरियाणा की मंडियों की, क्या मांग है उसकी? उसमें कई मुद्दे हैं, एक तो किसान की इच्छा के अनुसार पेमेंट होनी चाहिए, जो किसान चाह रहा है, किसके अपने डायरेक्ट चाह रहा है डायरेक्ट हो, आढ़ती के माध्यम से चाह रहा है आढ़ती के माध्यम से हो। एक जे फार्म की जो मजदूरी है वो जे फार्म से ही कटनी चाहिए, वो उसकी पेमेंट काट के पेमेंट जानी चाहिए, वो जे फार्म की मजदूरी, वो एक मेन वो मुद्दा है। एक पिछले बकाया हैं जो किसान के लोडिंग का, वो कई चीज़ें जो पेमेंट बकाया है उसके बारे में है। कितने बकाया है? सारे हरियाणा में ही है बकाया, अलग अलग मंडी का अलग अलग बकाया है। अपना इंद्री मंडी का कितना है? देखो वो तो बता नहीं सकते, पर ये अभी एफर्ट का बकाया है, उसमें लोडिंग का पेमेंट बकाया है, उसकी इंटरेस्ट जो किसानों को इंटरेस्ट जाना था वो सारा बकाया है, फूड सप्लाई का भी बकाया है, जो उन्होंने इंटरेस्ट काटा था आढ़तियों से वो इंटरेस्ट इन्होंने देना था, ना तो किसान के खाते में गया ना आढ़ती के खाते में आया, कहीं भी नहीं गया, वो मेन मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। कई लाख रुपये होंगे? हाँ, लाखों रुपये बनते ही हैं, एक्यूरेट तो बता नहीं सकते भी कितना, क्योंकि अलग अलग फर्मों के अलग अलग हैं, तो कितने किसानों के हैं वो तो कहीं तो जाए, या तो किसान के अकाउंट में जाए या आढ़ती के अकाउंट में चले जाएँ, क्योंकि आढ़ती से तो कट लिया, वो उसको जा लिया, कहीं देना चाहिए सरकार को। मतलब खामियां हैं इस चीज़ को लेकर के, और इन खामियों को कब दूर करेगी सरकार, कुछ नहीं कह सकती? नहीं, ये जो पिछली जब कहीं भी किसी भी सीजन की है, मान लिया कोई भी अगला सीजन स्टार्ट होता है तो पिछला बकाया देते ही है, भी पिछला मेरा ये बकाया ये दे दो, वो दे के अगली खरीद स्टार्ट करनी चाहिए, जो पिछली बैलेंस है। कई बार आश्वासन भी दिए हैं फला देंगे, भाई अब क्या दिया, भाई 31 मार्च की वजह से
अगले बजट में अगले उसमें दिया जाएगा। ऑफिसर से मिलते रहते हैं। 5 तारीख को निर्णय होगा आर पार का कुछ? हाँ, 5 तारीख को देखो स्टेट बॉडी सारे हरियाणा के आड़तियों की, उसके हिसाब से अपना प्रधान मीटिंग है करनाल। तो हड़ताल पे भी जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबका निर्णय। देखिए, सरकार कह रही थी भाई 1 अप्रैल से किसान का माल खरीद लेंगे, उसके अनुसार किसान अपनी फसल कटवा कर ले आया मंडी में, फसल सूखी और साफ पड़ी, लेकिन अभी तक ना तो कोई एजेंसी का पता कौन खरीदेगा, ना कोई बारदाना, ना कोई हमें मार्केट कमेटी में हम किसान यूनियन नाले गए, ना वहाँ कोई सेक्रेटरी। उसके बाद हम SDM साहब पर गए, SDM साहब ने आश्वासन दिया भाई 3 बजे तक एजेंसी भी आ जाएगी खरीदने वाली और बारदाना भी आ जाएगा, लेकिन मैंने तो ऐसा लगा सारा का सारा कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं है। सड़कों पर यू हाल है कि जो सीवरेज हैं वो कम से कम 2-2.5 फुट ऊंचे खड़े हैं, अगर ट्रैली का पहिया उस पर चढ़ गया वो ट्रैलियाँ पलटेंगी क्यों होगी, उसकी लेवलिंग भी नहीं करी है, और जो सड़कें बना मंडी में उनके टाकियाँ तक भी नहीं लगाई, मंडी में व्यवस्था नहीं है पानी की, अभी तक कूलर जो ठंडे पानी के हैं वो नहीं लगाए, मन नहीं लगता भी इनके इन्हें ऐसा लग रहा हो भी सीजन आएगा। दूसरी बात ये कह रहे, सरकार कह रही रोज पेपर में दे दें कि किसानों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, लेकिन जब हम किसान करें भी हमना पैसा अड़तियों के माध्यम से चाहिए, तो अड़तियों के माध्यम से हमारा लेन देन क्यों खराब करो, अगर हमारे खाते में आओगे कल अड़ती तो आगे हमारे तो पैसे नहीं देने की जरूरत में, और फिर भी अगर कोई किसान चाहो मेरे सीधे आ जाओ उसको दो, बाकी अड़ती के माध्यम से दो। एक ही हाँ मंडी में हमने देखा कि किसान भवन में गए, उस पर सरकार ने कब्जा कर रखा, उसमें ऊपर डिप्टी साहब बैठे पुलिस के, नीचे माल महकमे वाले पटवारी बैठे, अभी सीजन आ गया किसान कहाँ आराम करेगा। तो हमने SDM साहब से भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से आला कमान को भी कह रहे वो उसना किसान भवन खाली करा दो किसानों के लिए, ताकि किसान दो घड़ी आराम कर सका अपना फसल लेगा। वह छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे भी अब तक किसान को नहीं मिली, सीजन आ गया कोई खरीददार नहीं, बारदाना नहीं, इंस्पेक्टर नहीं खरीदने वाला, बुरा हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो किसान को मजबूरन सड़कों पाने पड़ेगा, जिसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। जी देखिए, आज 1 अप्रैल सरकार ने दावे करे थे कि खरीद शुरू हुआ, गेहूँ आपके सामने है, ना कोई खरीद आई, ना कोई एजेंसी आई, ना कोई बारदाना आया, कुछ नहीं आया, सारी व्यवस्था खराब है, ना मार्केट कमेटी में सचिव है, जोन सा सेक्रेटरी है, कोई नहीं है, और ने कह रहे शेड्यूल के साथ आनी पड़ेगी, मैसेज भेजेंगे उसी टाइम गेहूँ लेकर आनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसान की गेहूँ अगर रात को कटेगी तो रात को लेकर आएगा, दोपहर में कटेगी तो दोपहर में लेकर आएगा। हमें नहीं पता, हम ना किसी SMS को जानते हैं, ना मैसेज को जानते हैं, जैसे पहले गेट पे गेहूँ की ट्रली आ जाती थी उसका गेट पास कट जाता था, वैसे ही गेट पास कटना चाहिए हमारा, और जब भी हमारी फसल कटेगी हम उसी दौरान अपनी फसल को लेकर आएंगे। देखिए, आज किसान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है, इनकी कुछ समस्याएं हैं जो ये हैं कि जैसे कि बारदाना नहीं पहुंचा है, या फिर परचेज इंस्पेक्टर वहां पर नहीं पहुंचा है अभी, और इन्होंने एक ये भी डिमांड उठाई है कि मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो इस प्रकार की कई समस्याएं जो इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हमें बताई हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी तैयारी पर्याप्त है, परचेज इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट ठेकेदार लिफ्टिंग के लिए और मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए जितनी भी ज़रूरी हमारी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं, और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है तो वो दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि वो तुरंत प्रभाव से कंप्लीट कर दी जाएं, ताकि आगामी जो गेहूं खरीद सीज़न है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो मॉइस्चर का भी कोई मामला है? मॉइस्चर के लिए भी ज्ञापन में इन्होंने बताया है, तो वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाएगा, ताकि उस पर जो है वो फैसला सक्षम अधिकारी ले सके। मार्केट कमेटी सचिव कब तक संभावना? देखिए, मार्केट कमेटी सचिव का जो पद है यहाँ पर खाली है इंद्री मंडी में, तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, तो बहुत ही जल्द जो है किसी न किसी की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। तो कौन कौन सी एजेंसी है? देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया कि हैफेड और DFSE दो खरीद एजेंसी इंद्री मंडी में परचेज करेंगे।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।